नमस्कार किसान भाइयों, मैं शिवम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं लाइव टुडे के इस खास कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती किसानी पशुपालन और तकनीकी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, ताकि किसान अपनी फसलों पशुओं और तकनीकी से जुड़ी जानकारियों से रूबरू होकर अपनी फसलों का बखूबी ख्याल रख सकें और अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। कार्यक्रम के आज के इस भाग में हम बात करने जा रहे हैं अजवाइन की खेती के बारे में। अजवाइन धनिया कुल की एक महत्वपूर्ण मसाला फसल है। अजवाइन हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। ये पेट से जुड़े कई विकारों से हमें निजात दिलाता है। चलिए पहले हम देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। अजवाइन के पौधे के प्रत्येक भाग को औषधि के रूप में काम में लाया जाता है। अजवाइन पेट के वायु विकार, पेचिस, बदहजमी, हैजा, कफ, ऐठन जैसी समस्याओं और सर्दी जुखाम के लिए काम में लाया जाता है। इसके अलावा यह बिस्किट, फल, सब्जी संरक्षण में भी काम आता है। अभी आपने अजवाइन के औषधीय गुणों के बारे में जाना, अब हम आपको बताएंगे कि अजवाइन की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की जरूरत होती है। जलवायु, अजवाइन की बुआई के समय मौसम शुष्क होना चाहिए। अत्यधिक गर्म और ठंडा मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता। अजवाइन पाले को कुछ स्तर तक सहन कर सकती है। राजस्थान राज्य में इसकी खेती 15,483 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है, जिससे 5,450 टन उत्पादन होता है। और अगर बात की जाए प्रति हेक्टेयर की, तो राजस्थान में आपको 352 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। इसकी खेती मुख्यतः चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ और कोटा में की जाती है। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश भी अब देश के उन राज्यों में शुमार होने जा रहा है जहां अजवाइन की खेती शुरू हो गई है। प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर और बांदा वो जिले हैं जहाँ पर पिछले कुछ साल से प्रयोग के तौर पर किसानों ने इसकी खेती शुरू की है और वो बहुत ही सफल रही। ऐसे में इस साल भी वहां पर अजवाइन की खेती करके किसान समृद्ध बने, इसके लिए कृषि वैज्ञानिक किसानों को इसकी खेती करने की सलाह दे रहे हैं। यह फसल अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर तक बोई जाती है और मई के महीने में फसल तैयार होकर काटी जाती है। जो किसान इस बार अजवाइन की खेती करना चाहते हैं, उनको यूपी सरकार का कृषि विभाग मदद भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां पर मसालों की खेती कम होती है, इसलिए मसालों के लिए यूपी को देश के दूसरे राज्यों, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। यूपी सरकार प्रदेश में मसालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। तमाम बीजीय मसालों में अजवाइन की खास जगह है। इसका इस्तेमाल सब्जियों और अचारों में मसाले के रूप में किया जाता है। इसके बीज पेट की तकलीफों में दवा का काम करते हैं। अजवाइन में प्रोटीन, वसा, रेशा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस व लोहा जैसे गुणकारी तत्व पाए जाते हैं। इसकी खास महक इसमें मौजूद तेल के कारण होती है। अजवाइन के बीजों में 2 से 4% तक थाइमोलयुक्त तेल पाया जाता है, जिसे बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियाँ व कई उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस फायदे की खेती यानी अजवाइन की खेती के लिए किस्मों का चुनाव किस प्रकार करें, जिससे आप अपनी जरूरतों के हिसाब से उत्पादन कर सकें। अजवाइन की उन्नत खेती, लाम सिलेक्शन, 135 से 145 दिन में पककर तैयार होने वाली इस किस्म की औसत उपज 8 से 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। लाम सिलेक्शन 2, इसके पौधे झाड़ीदार होते हैं और इसकी औसत उपज 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। RA 180, यह किस्म 170 से 180 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दाने बारीक लेकिन अधिक सुगंधित होते हैं, इसमें 10 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त हो सकती है। इस किस्म पर सफेद चूर्णिन असिता रोग का प्रकोप अधिक होता है। अजवाइन एक रबी का मसाला है। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है।
सामान्यतः बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 8.2 तक है उसमें अजवाइन सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। जहां भूमि में नमी कम हो वहां सिंचाई की व्यवस्था अवश्य कर लेना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अजवाइन की खेती के खेत को तैयार कर सकते हैं। खेत की तैयारी। खेत तैयार करने के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके बाद दो जुताई देसी हल से करके खेत की अच्छी तरह से तैयारी कर लें। अजवाइन का बीज बारीक होता है इसलिए खेत की मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा होने तक जुताई करें। अजवाइन की बुआई का उचित समय सितंबर से नवंबर होता है। इसे छिड़काव या कतर विधि से बोया जाता है। एक हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। छिड़काव विधि के लिए बीजों को इसकी बीज दर से 8 से 10 गुना बारीक छनी हुई मिट्टी के साथ मिलाकर बुआई करें। इससे बीज दर सही रखने में मदद मिलती है। कतारों में बुआई करना ज़्यादा उपयुक्त है। इस विधि में कतार से कतार की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 25 सेंटीमीटर रखें। इसमें बीजों का अंकुरण 10 से 15 दिनों में पूरी तरह से हो जाता है। अजवाइन की भरपूर पैदावार लेने के लिए 15 से 20 दिन पहले 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह मिलाएं। उर्वरक के रूप में इस फसल को 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से दें। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई से पहले खेत में डाल दें। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा बुआई के लगभग 25 से 30 दिन बाद खड़ी फसल में डालें। तो किसान भाइयों, ये तो थी अजवाइन की खेती से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें बता सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको सागौन की खेती के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के साथ साथ कटाई छटाई प्रक्रिया और सागौन के बाजार के बारे में जानकारी देंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सागौन की मांग और सप्लाई में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए आने वाले कई दशकों तक सागौन की लकड़ी के दाम घटने वाले नहीं। खेतों में सागौन के पौध लगाने से किसानों की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाती है। सागौन के बेशकीमती पेड़ अन्य पेड़ों की तुलना में किसानों को खासा लाभ पहुंचाते हैं। चलिए अब आपको जानकारी देते हैं सागौन की खेती के बारे में और इसकी उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि सागौन के पौधे लगाने के लिए कैसे की जाए खेत की तैयारी और खरपतवार नियंत्रण भी। खेत की तैयारी। सागौन के पौधरोपण के लिए जगह हल्की ढलान वाली होनी चाहिए। सागौन की अच्छी बढ़त के लिए जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र बहुत अच्छा माना जाता है। पौधरोपण के लिए पूरी जमीन की अच्छी जुताई एक समान करना बहुत जरूरी है। पौधरोपण के लिए सही दूरी पर एक सीध में गड्ढे की खुदाई आवश्यक होती है। महत्वपूर्ण बातें। पहले से अंकुरित खूंटी या पॉलीपॉट का इस्तेमाल करें। बजरी वाले क्षेत्र के खोदे गए गड्ढों में ऑर्गेनिक याद युक्त अच्छी मिट्टी मिलाएं। पौधे की अच्छी बढ़त के लिए बीच बीच में मिट्टी की निराई गुड़ाई का भी काम करते रहना चाहिए।
पहले साल में एक बार, दूसरे साल में दो बार और तीसरे साल में एक बार निराई गुड़ाई पर्याप्त होती है। खरपतवार नियंत्रण। सागौन के पौधरोपण के शुरुआती 2-3 साल में खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नियमित अंतराल पर खरपतवार हटाते रहना चाहिए। पहले साल में 3 बार, दूसरे साल में 2 बार और तीसरे साल में 1 बार खरपतवार हटाना आवश्यक होता है। वो दिन गए जब सागौन सिर्फ सरकार की मिल्कियत हुआ करते थे, अब आम किसान ग्रामीण भी इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। वन विभाग ने हरियाली बढ़ाने और आम लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करने की पहल की है। साथ ही सागौन की कई कंपनियां सागौन के पौधे लगाती हैं। कंपनी से करार करके पौधा लगवाया जा सकता है। कंपनियां पौधे लगाने से लेकर उनकी देखरेख भी करती हैं। पास की नर्सरी से भी पौधे खरीद कर लगा सकते हैं। सागौन, यूकेलिप्टस, कटहल, अमरूद, पीपल, आंवला जैसे तमाम पौधे लगाकर आप दुगुना मुनाफा तो कमाते ही हैं, साथ ही इन पौधों को लगाकर पर्यावरण प्रदूषण भी कम किया जा सकता है। सागौन का पेड़ बहुत लंबा होता है और अच्छी किस्म की लकड़ी पैदा करता है। यही वजह है कि इसकी देश और विदेश के बाजार में अच्छी मांग है। सागौन से बनाए गए सामान अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ज्यादा दिनों तक टिकते भी हैं। इसलिए सागौन की लकड़ी से बने फर्नीचर की घर और ऑफिस दोनों जगहों पर भारी मांग रहती है। आइए जानते हैं इस बहुउपयोगी खेती में सिंचाई प्रबंधन और कटाई छटाई की विधि के बारे में। सिंचाई। शुरुआती दिनों में पौधे की वृद्धि के लिए सिंचाई बेहद अहम है। खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई कार्य भी करते रहना चाहिए, जिसका अनुपात 3-2-1 होना चाहिए। नियमित तौर पर सिंचाई और पौधे की छटाई से तने की चौड़ाई बढ़ जाती है। कटाई छटाई। आमतौर पर सागौन के पौधे की कटाई छटाई पौधरोपण के 5-10 साल के बीच में की जाती है। कटाई छटाई के दौरान जगह की गुणवत्ता और पौधे के बीच के अंतराल को भी ध्यान में रखना चाहिए। अच्छी जगह और नजदीकी अंतराल वाले पौधे की पहली और दूसरी कटाई छटाई का काम 5वें और 10वें साल पर किया जाता है। दूसरी बार कटाई छटाई के बाद 25% पौधों को विकास के लिए छोड़ दिया जाता है। सागौन के पेड़ ऊंचे लगभग 40 से 50 फीट तक होते हैं। इसकी लकड़ी काफी मजबूत होती है। सागौन की छाया बहुत घनी और ठंडी होती है। यह इस पेड़ की खासियत होती है। इस पर पतझड़ का कोई भी असर नहीं होता। ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। लेकिन दीमक जैसे कीट बढ़ रहे सागौन के पौधे को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कीट प्रबंधन के बारे में। रोग और कीट प्रबंधन। सागौन के पौधे में आमतौर पर पॉलीपोरस जोनालिस रोग लग जाता है। यह पौधे की जड़ को गला देता है। यह गुलाबी रंग का फंगस पौधे को खोखला कर देता है। अनसिनोला टेक्टोन की वजह से पाउडर जैसे फफूंद पैदा हो जाता है, जिससे असमय पत्ते झड़ने लगते हैं। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा और आजादी राचता इंडिका के ताजा पत्तों से रस इन रोगों से लड़ने में बेहद कारगर साबित होते हैं। जैविक और अकार्बनिक खाद के मुकाबले इससे हानिकारक कीट को अच्छी तरह से खत्म किया जाता है और साथ ही यह पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। सागौन की बाजार में बेहद मांग है और इसे बेचना भी बेहद आसान है। इसके लिए बायबैक योजना के अलावा स्थानीय टिम्बर मार्केट भी होती है।
घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा मांग होने की वजह से सागौन की खेती बहुत फायदेमंद है। आइए जानते हैं सागौन की कटाई और उपज के बारे में। कटाई, काटे जाने वाले पेड़ पर चिन्ह लगाएं और सीरियल नंबर लिखें। मुख्य क्षेत्रीय वन अधिकारी के पास इन संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराएं। क्षेत्रीय वन विभाग जांच के लिए अपने अधिकारी भेजकर रिपोर्ट तैयार करवाएगी। काट छाट या कटाई के बारे में स्थानीय वन अधिकारी को रिपोर्ट भेजना जरूरी है। अनुमति मिलने के बाद काट छाट या कटाई की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। उपज, 14 साल के दौरान एक सागौन का पेड़ 10 से 15 क्यूबिक फीट लकड़ी देता है। एक एकड़ में उन्नत किस्म के करीब 400 सागौन के पेड़ उत्पन्न होते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो थी सागौन की खेती से जुड़ी पूरी जानकारी। यदि आपको खेती किसानी या पशुपालन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। किसान भाइयों, आपकी सहायता के लिए लाइव टुडे की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में अब तक हमने आपको कई सारी फसलों, फलों और फूलों की खेती के बारे में बताया। साथ ही आपकी खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हों इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो बिल्कुल मुफ्त है, जिस पर हमें किसानों की ओर से सराहना तो मिली ही है, साथ ही उन्होंने खेती में आने वाली समस्याओं के निदान के लिए हमसे संपर्क भी किया है और कई किसान भाइयों के सवालों का हमने अपने विशेषज्ञों द्वारा समाधान भी किया। कुछ ऐसे ही सवाल आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये वो सवाल हैं जिसे किसान भाइयों ने हमसे पूछा और उसका जवाब जानने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के रहने वाले किसान राकेश चौहान ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर कॉल के माध्यम से अपनी समस्या रखी। उनका सवाल है, आपका सवाल, पपीते की खेती के बारे में जानकारी चाहिए। हमारा जवाब, राकेश जी, पपीते के बीज को बोने का समय जुलाई से सितंबर और फरवरी मार्च होता है। बीज अच्छी किस्म के अच्छे और स्वस्थ फलों से लेने चाहिए। बीजों की क्यारियों, लकड़ी के बॉक्सों, मिट्टी के गमलों और पॉलिथीन की थैलियों में बोया जा सकता है। क्यारियां जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। जब पौधे 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे हो जाएं, तो उन्हें क्यारी से पॉलिथीन में स्थानांतरित कर देना चाहिए। राकेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के दूसरे सवाल के बारे में। झारखंड के रहने वाले किसान भाई विजय मेहता ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर हमसे संपर्क किया और अपनी समस्या रखी। उन्होंने हमसे जानना चाहा है, आपका सवाल, टमाटर की खेती की क्या प्रक्रिया है। हमारा जवाब, विजय जी, टमाटर की अच्छी उपज में तापमान का बहुत बड़ा योगदान होता है। फसल के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापमान अधिक होने पर फूल और अपरिपक्व फल टूटकर गिरने लगते हैं। खेती की तैयारी, समुचित जल निकास वाली जीवाश्म युक्त बलुई दोमाट या दोमाट मिट्टी उपयुक्त होती है। टमाटर की सफलता पूर्वक खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना आवश्यक है।
तैयार पौधे की रोपाई से पहले खेत की पहली गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। 3 से 4 आड़ी तिरछी जुताई कल्टीवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना लेना चाहिए। विजय जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के तीसरे सवाल के बारे में। गाजियाबाद के रहने वाले किसान मनीष ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर हमसे संपर्क किया और अपनी समस्या रखी। उन्होंने हमसे जानना चाहा है, आपका सवाल, ब्रोकली की फसल में खाद और उर्वरक प्रबंधन कैसे किया जाए। हमारा जवाब, मनीष जी, ब्रोकली की खेती के खाद प्रबंधन के लिए प्रति 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 50 किलोग्राम गोबर की अच्छी तरीके से सड़ी हुई खाद तैयार करें। 1 किलोग्राम नीम की खली, 1 किलोग्राम आरंडी का तेल और खादों में अच्छी तरह से मिलाएं। क्यारी में रोपाई से पहले समान मात्रा में खाद को बिखेर लें। इसके बाद क्यारी की जुताई करके बीज की रोपाई करें। मनीष जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की वो समस्याएं और उनके समाधान जो कि आपने हमसे पूछे थे। हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा और हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए समाधान से पूरी तरह संतुष्ट होंगे और आगे भी खेती किसानी से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए हमसे हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर संपर्क करते रहेंगे और अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में किसान भाइयों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।